What's up guys, this is your host Deep और आप देख रहे हैं Beast Baba Channel। कोविड में लॉकडाउन वापस स्टार्ट हो चुका है, जैसा आप सभी को पता है। आप सभी लोग घर से वर्कआउट कर रहे होंगे, तो आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आर्म ब्लास्टर के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्योंकि हम वर्कआउट घर से कर रहे हैं और एक लिमिटेड सामान ही होगा हमारे पास, डंबल रॉड्स वगैरह, इसलिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास डंबल रॉड्स पहले से घर पे पड़े हुए हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं आर्म ब्लास्टर का। और जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसे वापस लगा हुआ है, आगे भी कुछ कह नहीं सकते कि जिम क्लोज़ रहेंगे या ओपन होंगे या फिर लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेंगे, तो इसलिए कुछ लोग इन्वेस्टमेंट अभी करने वाले होंगे, तो उनके लिए एक रिकमेंडेशन मेरा ज़रूर है कि आप आर्म ब्लास्टर लेके ज़रूर आना। जिन लोगों को पता नहीं है आर्म ब्लास्टर क्या होता है, आर्म ब्लास्टर को एक्चुअली बाइसेप ब्लास्टर भी बोलते हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा पर्सनल आर्म ब्लास्टर है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। इस तरीके की एक प्लेट होती है सिंपल सी, ये थोड़ी सी कर्व होती है यहाँ से, और इसे आपको अपने गले में पहनना होता है। मैं आपको एक बार पहन के भी डेमो दे देता हूँ। इस तरीके से ये दिखता है आपको पहनने के बाद। आपको थोड़ा सा पहनते होते उसको ध्यान रखना है कि जो आर्म ब्लास्टर है वो आपके जो चेस्ट का जो तो निपल होता है वो उसके नीचे होना चाहिए, और जो आपका रिब केज है इसमें अटैच होना चाहिए ताकि आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा ये जो आपके ट्राइसेप होते हैं ये आपको इन साइड में रखने होते हैं इस तरीके से, तो ये आपको सपोर्ट देता है आर्म्स के लिए। और इसके बाद आप इसको डंबल के साथ लगा सकते हैं, रॉड के साथ लगा सकते हैं। ये इसका पहनने का सही तरीका होता है। अब इसको क्यों पहनते हैं, क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी लोगों को इसको परचेज़ करने के लिए, अपने आर्सेनल में रखने के लिए जो घर का वर्कआउट है उसमें, उसको वन बाय वन अब देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास पहले से सामान पड़ा हुआ है जिम का, तो आप सबको पहले से पता होगा कि लिमिटेड सामान होगा। जैसे मेरे पास भी लिमिटेड सामान ही है, लिमिटेड वेट्स ही हैं, तो उनके साथ आप जिम जैसा वर्कआउट नहीं कर सकते, हाई इंटेंसिटी वाला और ज़्यादा वेट लेने वाला। तो आपको आर्म ब्लास्टर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो चीटिंग होती है बाइसेप में वो बंद हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है बाइसेप में जो आप उठाने वाले हैं वो कम हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम वेट से ही आप बाइसेप को अच्छा खासा सिमुलेट कर देंगे। When I say cheating, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं बाइसेप की, तो यू टेंड टू use other muscles like shoulder, your back to lift the weight, तो वो आपके complete bicep को hit ना करके overall body में, जैसे shoulder हो गया और आपकी back हो गया, इसको भी थोड़ा बहुत hit करता है, तो complete contraction नहीं आ पाता bicep में। वहीं जब आर्म ब्लास्टर पहनते हैं अपन, तो उसमें यह होता है कि आपकी जो आर्म्स होती हैं वो लॉक हो जाती हैं। लॉक होने से ये होता है कि आप उसमें जर्क नहीं ले सकते, आप उसमें अपने बैक का यूज़ नहीं कर सकते, शोल्डर उसमें बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी, आपका सारा जोर जो होगा वो आपके आर्म्स में जाएगा, आपके बाइसेप में जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है, आर्म ब्लास्टर अगर आप लेंगे तो वैरायटी इंक्लूड हो जाएगी आपके वर्कआउट शेड्यूल में। हम जिम जाते क्यों हैं, हम घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। हम जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि जिम में बहुत तरीके की मशीन्स होती हैं और वैरायटी इज़ द की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा कार्ड बनता है, तो हम 5-6 एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट कार्ड बनता है 1-2 महीने बाद, तो हम अगेन नई सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे क्या होता है वैरायटी आती है। आपकी जो मसल है वो प्लेटो हिट नहीं करती है, क्योंकि आप अपनी रेगुलरली अपनी जो वर्कआउट शेड्यूल है उसको बदलते रहते हो, इसलिए हम लोग जिम जाते हैं, वरना हम थोड़ा सा सामान घर पे लाके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप घर पे एक्सरसाइज करोगे और अगर आपके पास आर्म ब्लास्टर है, तो आपके पास अच्छी खासी वैरायटी हो जाएगी। आप नॉर्मल वेट तो लगा ही सकते हो डंबल से, रॉड से, उसके अलावा आर्म ब्लास्टर से भी आप वैरायटी कर सकते हो, तो इसलिए आपका जो वर्कआउट होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, नॉट एज गुड एज जिम बट सिमिलर टू दैट ज़रूर होगा। तीसरा और जो आखिर पॉइंट है आर्म ब्लास्टर के बेनिफिट का, वो ये कि घर पे जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपने पास आइसोलेशन एक्सरसाइज करने का कोई मीडियम नहीं होता है। जिम में तो एक्चुअली मशीन्स होती हैं आइसोलेट करने के लिए आपके मसल को, लेकिन घर पे हम मेनली कंपाउंड एक्सरसाइज ही कर पाते हैं।
तो इस आर्म ब्लास्टर से ये होगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि आप वो आपके वो आर्म्स को वो लॉक कर देता है, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। वहीं जब वो आपकी आर्म लॉक हो जाती है, तो होता ये है कि आपका जो एक्सरसाइज है वो आपके बाइसेप को ही आइसोलेट करेगी, क्योंकि उसमें आपका शोल्डर और आपका बैक ये ज़ीरो हो चुके हैं, ये पिक्चर से हट चुके हैं। तो आपका जो भी फोर्स लगने वाला है, दम लगने वाला है, जब आप बारबेल को उठाएंगे, डंबल को उस तरीके से उठाएंगे, तो सारा जोर आपके बाइसेप में लगने वाला है। तो ये होगी एक आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जो आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल या डंबल हैमर कर्ल इनसे नहीं कर सकते। तो आइसोलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आर्म ब्लास्टर। तो ये तीन पॉइंट है मेरे आर्म ब्लास्टर के बेनिफिट के, इनको यूज़ करने के लिए, खास करके इस लॉकडाउन में जब आपके पास जिम है ही नहीं महीनों तक। अगर कॉस्ट की बात करूँ मैं, तो 1,000 रुपये में ही आ जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म से लें आप, इसको ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें। मैंने वैसे ये अमेज़ॉन से लिया था, इसको करीब 1 साल हो गया है, अभी तक ये आराम से चल रहा है। लास्ट लॉकडाउन में भी मेरे बहुत यूज़ में आया था, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी मेरे ये बहुत यूज़ आ रहा है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेज़ॉन का। अभी फॉर द टाइम बींग अमेज़ॉन पे सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ ही सेल आउट हो रही हैं, तो आपको शायद अभी नहीं मिले। फ्लिपकार्ट पे ज़रूर मिल सकता है अभी आपको, फिर भी आप ट्राई करिए। आपके लोकेशन में अगर डिलीवरी हो रही है तो इसको ज़रूर मंगाइए, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप इसको ज़रूर मंगाना, क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं है। अब 1 साल सवा साल हो चुका है, 2 साल 3 साल भी आगे खींच सकता है। जिम का भी कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट के हाथों में, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये वैसे भी एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी हॉबी है जिम एक्सरसाइज करना, तो ये आपके लाइफ टाइम ही काम आएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस तरीके का वीडियो ही लाता रहूँगा, ताकि आप लोग जो घर बैठे हुए हैं उनको मोटिवेशन मिले एक्सरसाइज करने का। जनरली लोग जिम जाते ही इसलिए क्योंकि वहाँ उनको मोटिवेशन मिलता है एक्सरसाइज करने का, लोगों को देख देख के। लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो थोड़ा सा आप आलस में एक्सरसाइज करना छोड़ देते हो, और जो भी आपने गेन किया हुआ होता है या आपकी जो फिज़िक होती है उसको आप लूज़ कर देते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अंटिल देन, स्टे एट होम एंड डू वर्कआउट।